1962 में भारत चीन युद्ध में पौड़ी जनपद के एक सैनिक थे जसवंत सिंह रावत, आपने उनका नाम जरूर सुना होगा, और अगर ना सुना हो 72 आवर्स आपने जरूर देखी होगी और इसी पे एक डॉक्यूमेंट्री भी कुछ दिनों पहले बनी थी। मैं पौड़ी जनपद के उसी इलाके में पहुंचा हूं अभी और मुझे बड़ा दुख हुआ है कि जसवंत सिंह जी, जिनका पूरे देश में ही सम्मान नहीं, चीन भी उनका सम्मान करता है, क्योंकि 72 घंटे तक उस वीर सैनिक ने पूरी चीन की सेना को रोके रखा और जब तक उनके प्राण नहीं चले गए वो डटे रहे। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक जैसे सड़क के किनारे शिलान्यास करने के लिए एक पत्थर लगा दिया जाता है, उनके गांव जो बाड़ी उनका गांव है यहाँ दुनाव के पास, जो कि जल विद्युत परियोजना, लघु जल विद्युत परियोजना है, उसके पास आप देख सकते हैं जिसमें एक पत्थर यहाँ पे लगा दिया गया है। न तो उनकी मूर्ति है, न इसमें कुछ इस तरह की चीज हो जिससे लगे कि ये एक महान सैनिक के नाम पे है। ये लोकल हमारे बड़े होते ना जागो उतर। महावीर चक्र विजेता जसवंत सिंह जी के गांव में पहुंच गया हूं। आप ये देख सकते हैं ग्राम बाड़ी है ये, और यहां पे हालांकि गेट बहुत खूबसूरत बनाया हुआ है, लेकिन यहां के गांव वालों की बहुत शिकायत है कि जिस व्यक्ति ने देश की रक्षा के लिए 72 घंटे तक अकेले चीन की सेना से लोहा लिया और अपना बलिदान दिया, वो गांव पूरी तरीके से उपेक्षित है। यहाँ के युवाओं को रोजगार नहीं है और यहाँ पे जल विद्युत परियोजना भी बनी है, वहाँ भी स्थानीय लोगों को कोई वरीयता नहीं दी गई है, उन्हें रोजगार नहीं दिया गया है। और मैंने अभी आपको वहाँ पे स्मारक भी दिखाया कि कितना उपेक्षित वो स्मारक है। मेरे साथ यहाँ के ग्रामीण है, उनसे बातचीत करते हुए चलेंगे और उनसे पूछेंगे कि क्या चाहते हैं, कि क्या होना चाहिए जसवंत सिंह जी के नाम पे। भाई साहब आप बताइए कि जसवंत सिंह जी की याद किस तरह से है आपको, दिमाग में क्या चित्र आता है जब उनके बारे में सोचते हैं? वो इतने हसीन थे जी, इतने हसीन खूबसूरत चेहरा था उनका, बहुत सुंदर जी। उनकी आयु मतलब 14-15 साल में मैंने खुद उनको देखा था जी, तो इतने खूबसूरत थे जैसे सेब होता है लाल, इस प्रकार से वो जी जी। और बचपन से वो काफी बहादुर थे जी, किसी भी काम में पीछे नहीं रहते थे जी, हर काम को करते रहते थे यहाँ। बाकी उनकी शिक्षा जो है वो दूसरे गांव में हुई, उसके बाद वो भर्ती हो गए 1960-61 में जी जी, और 62 में उनकी जब उनका बलिदान हुआ, कितनी उम्र रही होगी उनकी? 18-19 साल रही होगी बस मात्र इतनी रही होगी। तो जब वो शहीद गए थे क्या उनकी जो पार्थिव शरीर था उस गाँव में लाया गया? नहीं, अच्छा यहाँ लाया नहीं गया जी जी, हमें ये पता नहीं उन्होंने क्या किया वो 1962 में। लेकिन आज जो है वहाँ पे जसवंतगढ़ नाम से वहाँ पे जगह बनाई गई है अरुणाचल बॉर्डर पे जी, और वहाँ पे बताते हैं कि कोई भी वहाँ पे सैनिक जाता है या सैन्य अधिकारी जाता है तो पहले वहाँ पे सलूट करता है, सलूट करते हैं और रात को उनके लिए बिस्तर लगाया जाता है, सुबह देखा जाता है तो उस बिस्तर पर सिलवट पड़ी होती है, तो एक तरह से ये माना जाता है कि वो अभी भी जिंदा है, उनको जो सेना है उनको सम्मान देती है, इंक्रीमेंट देती है। डेली उनके उसमें जाता हूँ मेमोरियल में जहाँ पर उनका नाम से बना हुआ है जी जी, और डेली फूल चढ़ाता हूँ डेली जी। ये जसवंत सिंह जी का पैतृक मकान है, मेरे ख्याल से टीवी और उसमें सोशल मीडिया में पहली बार आप देख रहे होंगे उनका पैतृक मकान। आपने 72 आवर्स फिल्म जरूर देखी होगी, लेकिन जहाँ उस महापुरुष ने जन्म लिया ये वो कमरे है, ये वो मकान है, इसका ये नीचे का कमरा है और ये कमरा इसमें ऊपर है, इस मकान में छोटे से मकान में उनका जन्म हुआ है, लेकिन आज भी ये पूरा गांव जो है उपेक्षित है और इसी को लेके हम ये जो है खबर यहां पे बना रहे हैं। ये जसवंत सिंह जी के पिताजी ने बनाया था जब वो पैदा हुए थे, और यहीं से बताया जाता है कि वो भर्ती होने के लिए गढ़वाल राइफल में गए थे, जिसके बाद इतनी बड़ी शहादत, इतना बड़ा बलिदान उन्होंने दिया था। मेरे साथ यहाँ पे उनके रिश्तेदार हैं, भतीजे हैं उनके, उनसे भी बातचीत करेंगे। ये मकान जिस तरह से खंडहर हो रखा है,
पूरे इलाके में हम देख रहे हैं कि नीचे हमने स्मारक देखा वो भी उपेक्षित है, तो आप लोग क्या चाहते हैं कि जसवंत सिंह जी के नाम पे क्या होना चाहिए? जसवंत सिंह के नाम पे यहाँ पे पॉलिटेक्निक हो, ठीक है ना। अच्छा, उनका नाम था नीचे जहाँ ये बड़ा डैम बना, दूसरे के नाम से रखा, दूसरे का नाम रखा है वहाँ पे, और जबकि उसको जसवंत होना चाहिए। हमको वहाँ पे इन लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ पे जो दुनाऊ जल विद्युत परियोजना जो बनी है वो तो कम से कम उनके नाम से होना चाहिए, क्योंकि दुनाऊ जल विद्युत परियोजना इस गांव के नीचे है। नहीं, षड्यंत्र। हमारे न्यूज बनाने से कुछ नहीं होना था, बिल्कुल होगा भाई साहब, लगे रहेंगे चाहे अलग कुछ भी हो, जब वो 72 घंटे तक अकेले लड़ सकते हैं तो हम तो इतने सारे हैं। और हमारे तो ऐसे घरों में भी उसकी फोटो है, सब लोग पूजा करते हैं, भगवान की तरह मानते हैं। और उसके नाम से ऐसा था कि एक दफे यहाँ ब्रेस्ट वॉल पड़ रही थी गांव में, सैंक्शन भी है पेपर में हो गया, लेकिन वो आज तक बनी नहीं, बड़ी नहीं पैसे, मतलब वो सैंक्शन हो गई लेकिन उस धरातल पे नहीं है वो। बस सरकार की तरफ से तो हम तो 100% उपेक्षित है, बोला एक चीज का भी बेनिफिट नहीं मिला हमें अभी तक। बच्चे सारे विद्युत निगम खुला, अफसरों ने अपने बच्चे लगा दिए, हमारे बच्चे ऐसे घूम रहे हैं। मैं इस वीडियो के माध्यम से सतपाल महाराज जो कि पर्यटन मंत्री है उनसे अनुरोध करना चाहूंगा, दिलीप रावत जो कि विधायक हैं लैंसीडाउन क्षेत्र के, और त्रिवेंद्र सिंह रावत जो कि पौड़ी जनपद के ही हैं और हमारे मुख्यमंत्री भी हैं, कि जसवंत सिंह रावत जैसे वीर सैनिक जो कि महावीर चक्र से भी सम्मानित है, उनका उनके घर में ही इस तरह से अपमान न किया जाए। जागो उत्तराखंड के लिए बाड़ियों पौड़ी गढ़वाल से आशुतोष नेगी की रिपोर्ट।